फलक नुमा दास। दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी है जो कि लगभग 2.5 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है कुछ फ्रेंड्स के ऊपर। दरअसल होता यह है कि कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप होता है और वो अपने लोकल एरिया में दबदबा बनाते हैं और कुछ ऐसी अतरंगी चीजें करते रहते हैं जिससे कि वो अपने मोहल्ले में फेमस हो जाते हैं। अब आगे जाके वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता है जिससे उनका करियर अच्छा सेट हो जाए। अब दोस्तों उनके दिमाग में कुछ ऐसा बिजनेस आ भी जाता है, लेकिन उनके अपोजिट में एक ऐसा गैंग होता है जो कि सेम बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनका बहुत ज्यादा दबदबा होता है और वो थोड़े से गुंडे टाइप होते हैं। अब दोस्तों आगे क्या कुछ कहानी में देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, इस मूवी की जो कहानी है ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, आप पूरी मूवी के अंदर कनेक्ट रहने वाले हो। क्योंकि आप जब इस मूवी की कहानी को देखोगे आपको ऐसा फील होगा जितने भी इसके अंदर लफंडर गुंडे टाइप के लोग दिखाए जाएंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये आपके मोहल्ले की आसपास की कहानी है और आप डेली ऐसी चीजें फेस करते हो और आप धीरे धीरे उनके साथ में कनेक्ट भी हो जाओगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा उनकी परफॉर्मेंस से। और दोस्तों यही चीज है जो आपको पूरी मूवी के एंड तक बांध के रखेगी। और सबसे बड़ी चीज, जब उस लड़के की जर्नी दिखाई जाती है बचपन से लेके बड़े होने तक की, और उस बीच में जो आपको नटखट टाइप की चीजें देखने को मिलेगी, दादागिरी और गुंडा टाइप की जो चीजें आप देखोगे, भाई साहब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप जब मूवी को देखना शुरू करोगे ना दोस्तों, तो आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा क्योंकि आपके अंदर इस तरीके से जिज्ञासा बनी रहेगी कि भाई आगे क्या होने वाला है और आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। आप मूवी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और आपका जो मन होगा ना वो इस तरीके से ना रहेगा, आप पूरी मूवी देख के ही छोड़ोगे। और सबसे अच्छी चीज मुझे इस मूवी के अंदर लगी है सभी की परफॉर्मेंस। भाई जितने भी करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, उनकी परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है और स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, आपको पूरी मूवी के एंड तक बांध के रखेगा। और भी कई ऐसी चीजें हैं मूवी के अंदर, जब आप मूवी को देखना शुरू करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक जैसा फील होगा और ये जरूर आपको लगेगा दोस्तों कि आपके गली मोहल्ले की कहानी है। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6.5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।